दोस्तों आज के इस वीडियो में एक बजर को रिपेयर करने वाला हूँ। ये बजर हमें रोड पे पड़ा हुआ मिला था जो कि बारिश में भी कई बार भीग चुका है और ये देख लो इसमें काफ़ी सारे मिट्टी वगैरह लगे हुए हैं। पहले मैंने इसको साफ़ किया उसके बावजूद ये इसमें अभी बहुत सारा गंदा बचा हुआ है और इसके अंदर धूल कण वगैरह भी पड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि ये रिपेयर हुआ का नहीं। और ऑनेस्टली मैं इसको पहले चेक वगैरह नहीं किया हूँ। इसका जो है दो तीन वायर टूटा हुआ दिख रहा है हमें। एक तो बजर का जो स्पीकर है उसमें तीन तार लगता है, उसमें से एक तार टूटा हुआ दिख रहा है और एक पॉजिटिव वायर टूटा हुआ दिख रहा है। और पॉजिटिव वायर जहाँ जुटा हुआ है दोस्तों वहीं पे जो कैपेसिटर है वहाँ पे भी कुछ जंपरिंग जो है वो मिसिंग दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको साफ़ कर लेते हैं। और ये देखो इसका जो स्पीकर है उसके फ्रंट साइड में भी जंग लगी हुई है। चूँकि बारिश का सीज़न है और ये बारिश में भींग रहा था तो हमने जब इसे देखा तो मैं इसे बाइक में ही उठा लिया, बाइक के वाइजर में इसको हमने डाल दिया। और ये देखो काफ़ी सारा गंदा जमा पड़ा है यहाँ पे, तो इसको पहले हटा लेते हैं। और ये देखो ये जो बजर है इसका जो वायर आप देख पा रहे हो ग्रीन वायर टूटा हुआ और ये रेड वायर टूटा हुआ। ये देखो ये ग्रीन वायर टूटा हुआ है जो कि इसके स्पीकर में जाएगा। इसके लिए दोस्तों हमने सोल्डर आयरन को गर्म होने के लिए दे दिया है। इसके लिए इसे रिपेयर करने के लिए तो सोल्डर आयरन की अति आवश्यकता है क्योंकि बिना सोल्डिंग आयरन के इस पर सोल्डिंग करना तो बिल्कुल असंभव है। क्योंकि ये ऐसा एरिया है जहाँ पर हमें ज़्यादा हीट भी नहीं करना है और बहुत ही सावधानी से इसको सोल्डिंग करना होगा क्योंकि एक छोटी सी गलती के कारण भी ये पूरा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। क्योंकि अगर इसके जो बजर का जो पॉइंट स्पीकर है इसमें चोंगा जैसा कनेक्शन मतलब इसका काम होता है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो है इस ट्रांजिस्टर के जरिए स्विचिंग करा के एक छोटा सा एम्पलीफायर बनाते हैं और एक म्यूजिक तैयार करते हैं और इसे सीधे हम लोग स्पीकर में देते हैं और ये स्पीकर हमें साउंड को बूस्ट करके निकालता है। क्योंकि ये जो आप देख पा रहे हो ये कवर जो है ये कवर एक चोंगे की जैसी है और इसी कवर के कारण ये अच्छा आवाज़ निकाल रहा है, यानी ज़्यादा आवाज़ निकाल रहा है। अगर हम इसे निकाल देंगे खींच के जो कि एक सटा हुआ है रबड़ के कारण, रबड़ या लट्ठा के कारण, तो अगर हम इसे निकाल देते हैं तो फिर ये बाहर में आके उतना अच्छा आवाज़ नहीं बनाएगा जितना कि ये इस प्लास्टिक के कवर के अंदर बना रहा है। ये कचकड़ा का एक कवर है, इसके अंदर ये एक स्पीकर के जैसा माहौल, चोंगा के जैसे माहौल तैयार किया जाता है और वहाँ पे आवाज़ गूंजती है। ये देखो ये जो वायर है ये बहुत ही मुश्किल से सोल्डिंग होगा, मैं पहले ही बता रहा था। तो हमने रंगा पेस्ट सब कुछ लगा लिया और ये देखो अब दो तीन बार ट्राई करने के बाद ये सोल्डिंग तो भाई हो गया। अब बचा है इसका जो रेड वायर है, तो दोस्तों इस रेड वायर को भी हम सोल्डिंग कर ही देते हैं। और इस रेड वायर को रिप्लेस करने के लिए हमने सबसे पहले इसे काट लेना है और एक रेड वायर लेंगे। प्रयास करना है कि रेड वायर ही लें क्योंकि अगर मान लीजिए ब्लैक वायर लगाते हैं तो फिर प्लस माइनस कनेक्शन का प्रॉब्लम हो जाएगा। वैसे इसके अंदर जो कनेक्शन हो रहा है वहाँ पे डायोड लगा हुआ, उल्टा पुल्टा कनेक्शन अगर हम करते भी हैं तो भी इश्यू आनी नहीं है क्योंकि इसके माइनस पॉइंट पे आप देख रहे हैं माइनस वायर पे एक डायोड दे दिया गया है, माइनस साइड से कनेक्शन किया हुआ है। तो दोस्तों अगर उल्टा कनेक्शन करते भी हैं तो ये कम से कम तो ख़राब नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। क्योंकि डायोड कभी भी रिवर्स करंट में आउटपुट नहीं देती है, यह सबसे अच्छा बात है दोस्तों। अब ये कम्प्लीट तो हो गया, मतलब इसका वायर वगैरह तो जुट गया, लेकिन अभी टेस्टिंग बाकी है क्योंकि ये बजेगा कि नहीं बजेगा भाई इस पर तो हमें भी काफ़ी शंका है। क्योंकि अब भाई बजेगा कि नहीं देखता हूँ, तो इसके लिए हम करंट लेते हैं। एक हमने एसी कोड लिया हुआ है और एक हमने ट्रांसफार्मर लिया है, ये 2 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है, 12012 का 2 फेज है, 012012 का 2 फेज है इसमें। ये दोस्तों पहले सीडी के ट्रांसफार्मर, सीडी डीवीडी में इस टाइप का ट्रांसफार्मर लगता था, खासतौर से सीडी में। डीवीडी में तो एसएमपीएस ही लगता था सभी मॉडल में, बट सीडी में कुछ मॉडल में एसएमपीएस नहीं लगा के ये ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता था और काफ़ी सक्सेसफुली चलता था। ये सबसे पहले करंट देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो हम एसी मोड में 750 पे कनेक्शन रोटरी को सेट किए हुए हैं और अब देखते हैं वायर को सटा के। दोस्तों करंट का काम काफ़ी सावधानी से करना,
ये बहुत रिक्सी हो जाता है। ये 19 वोल्ट शो कर रहा है, यानी 19 वोल्ट हमें शो कर रहा है एसी मोड में। अगर हम इसे डीसी में बदलेंगे तो ये 12 वोल्ट पे चला आएगा। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसे एक वायर को तो जोड़ देंगे परमानेंटली, और जो एक वायर है उसे हम सटा के देखेंगे बज रहा है कि नहीं। काफ़ी नॉइसी आवाज़ है और काफ़ी हैवी आवाज़ है इसका दोस्तों, क्योंकि अगर साधारण तो यदि बोला जाए तो ये बहुत ही नॉइसी आवाज़ है, बहुत ही मतलब ज़्यादा ज़ोर से बज रहा है। मैं इसे ब्रेक ले कर बजा रहा हूँ, उसके बावजूद ये बहुत ज़ोर से बज रहा है दोस्तों। आसान नहीं होगा इसे इस साउंड को मतलब झेलना, बट अगर ये बजर दोस्तों ख़ासतौर से स्टेबलाइजर ऑटोकट मोड में जब आती है तो बजता है, वहाँ पर यूज किया जाता है, या नहीं तो फिर हम लोग जो बाइक का इंडिकेटर होता है उसमें लेफ्ट राइट के टाइम में भी ये बजर बजता है, क्योंकि अगर आप लेफ्ट राइट का कोई भी स्विच दे के रख दो और उधर नहीं मुड़ते हो तो एक्सीडेंट भी हो जाती है। इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर अपने बाइक में ये बजर को भी लगाओ, क्योंकि अगर आपने लेफ्ट राइट का सिग्नल दिया हुआ है तो फिर ये आपको इंडिकेट करेगा कि भाई तुमने सिग्नल दिया हुआ है तो पहले स्विच ऑफ करो मोड़ने के बाद। तो ये बहुत ही अच्छा व्यवस्था होती है दोस्तों। 30-40 रुपये में ये बजर उपलब्ध है मार्केट में, और आप इसे ख़रीद के आराम से कनेक्शन कर सकते हो, घर पे भी आप लगा सकते हो अपने बाइक में। और दोस्तों इसका कनेक्शन कैसे करना है, इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अब उससे भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कई सारे वीडियो में हमें रोज़ के रोज़ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो सभी का देना तो संभव नहीं है जवाब, बट मैं प्रयास करता हूँ कि भाई आप लोगों का जो सवाल है उसका जवाब जरूर दे दूँ। ये देखो कितना धांसू आवाज़ निकाल रहा है ये, और बहुत ही ज़्यादा साउंड है, मुझे भी मतलब बर्दाश्त करने से बाहर साउंड है, बहुत ज़्यादा कान में लग रहा है। तो दोस्तों ये हमने एक 5402 ये एक डायोड लिया है, और इसे कनेक्ट करके देखते हैं पॉजिटिव वायर के साथ। तो ये देखो आवाज़ और भी ज़्यादा बढ़ गया, एक्सट्रीम आवाज़ दे रहा है। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो दोस्तों में, शेयर करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद। और ये देखो ये आवाज़ तो बहुत अच्छा कर ही रहा है, यानी हम इसे रुक रुक के कनेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा वोल्ट चली जाएगी तो कंटिन्यू तो ये ख़राब भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।